हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के बारे में। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं पक्सीनिया का अक्रेंस कैसी होती है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, इसके अलावा उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है एंड कौन कौन सी स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल के अंदर। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पक्सीनिया की लाइफ साइकिल की, पक्सीनिया की लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिकी के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं, जिनमें से यहाँ पे यूरिडिनल स्टेज वीट प्लांट के ऊपर होती है, टैलियल स्टेज वीट प्लांट के ऊपर होती है, थर्ड वन इज द बेसिजियल स्टेज जो कि होती है या तो बेसिडियोस्पोर्स रिलीज होते हैं या तो ये टेल्यूटोस्पोर्स बना ले, टेल्यूटो जर्मिनेशन होती है यहाँ पे टेल्यूटोस्पोर्स की, जिससे बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, या तो ये सोइल के अंदर चले जाते हैं या तो ये वीट प्लांट डेब्रिस के अंदर चले जाते हैं। वहां से ये सेकंड इसके अंदर बारबेरी प्लांट के अंदर इसकी लाइफ साइकिल रिज्यूम होती है, जिसके अंदर पाइसिनियल स्टेज आती है एंड एसियल स्टेज आती है बारबेरी प्लांट के अंदर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 5 स्टेजेस के अंदर पक्सीनिया की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंट है ये, 1 by 1 स्टेज हम डिस्कस करेंगे इसकी। तो लाइफ साइकिल जो है ये हमने कल भी डिस्कस किया था, ये रिकॉग्नाइज की जाती है प्रेजेंस ऑफ यूरिडोसोरी एंड टेलिटोसोरी ऑन लीव्स। लीव्स के ऊपर यूरिडोसोरी या फिर टेलिटोसोरी अगर दिखाई देते हैं, यानी कि ये एक साइन है कि यहाँ पे पक्सीनिया है, या फिर ये लीव्स के अंदर हो सकता है, लीव सीड्स के अंदर हो सकता है, स्टेम ऑफ द वीड प्लांट के अंदर भी हो सकता है। एंड किस फॉर्म में होगा, ब्लैक एंड ब्राउन पस्टल्स की फॉर्म में होगा। तो ये हम बोल सकते हैं सिम्टम्स हैं जो कि इस डिजीज के अंदर, रस्ट के अंदर नजर आएंगे। बारबेरी प्लांट के ऊपर अपीयरेंस ऑफ पाइसिनिडिया और एसिडिया नजर आते हैं, शोज द प्रेजेंस ऑफ फंगस। अगर ये दो स्टेजेस वहां पे नजर आती है, यानी कि फंगस की, पक्सीनिया की प्रेजेंस वहां पे बारबेरी प्लांट के अंदर है। लाइफ साइकिल जो है पक्सीनिया ग्रैमिनिस स्ट्रेटिकी की कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, 2 फेज कंसिस्ट करती है। एक डाइकैरियो फेज होता है, एक यहाँ पे मोनोकैरियो या फिर हैप्लो फेज होता है। डाइकैरियो फेज जो है वीट के अंदर होता है एंड हैप्लो फेज जो है ये होता है बारबेरी के अंदर, बारबेरी प्लांट के ऊपर। अब ये जो वीट होता है इसके अंदर डाइकैरियो फेज कंडीशन चलती है, जो दो भी यहाँ पे न्यूक्लियाई होंगी वो कैसी होंगी, अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई होंगी। एंड बारबेरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यानी हैप्लोइड न्यूक्लियस यहाँ पे। इसके बाद स्टेजेस क्या क्या होंगी, अलग अलग स्टेजेस होंगी वीट प्लांट के ऊपर एंड एक होगी यहाँ पे बारबेरी प्लांट के ऊपर। तो वीट प्लांट के ऊपर यहाँ पे स्टेजेस होती है यूरिडिनल स्टेज और टैलियल स्टेज। यूरिडिनल स्टेज जो है रेड, इसको रेड रस्ट स्टेज बोला जाता है एंड एक टैलियल स्टेज आती है। तो वैसे इसकी 5 स्टेजेस है। थर्ड स्टेज हमने देखी थी कि थर्ड स्टेज के अंदर क्या है, यहाँ पे या तो वीट डेब्रिस के अंदर या फिर सोइल के अंदर जो टेलिटोस्पोर्स है, यूरिडोस्पोर्स बने हैं, वो चले जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज है वीट प्लांट के ऊपर ये है यूरिडिनल स्टेज, जिसको रेड रस्ट स्टेज बोला जाता है, ठीक है। ऐसे टाइप के यहाँ पे नजर आते हैं, रेड कलर के रस्ट नजर आती है स्टेम के ऊपर। तो इस स्टेज के अंदर होता क्या है, अब यहाँ पे इस स्टेज के अंदर, दिस स्टेज ऑल्सो नोन एज रस्ट स्टेज, इस स्टेज को रस्ट स्टेज भी बोला जाता है, स्टार्ट विद द जर्मिनेशन ऑफ बाई न्यूक्लेटेड एसियोस्पोर्स। जो एसियल स्टेज है वो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, यानी कि स्टार्टिंग वहां से हुई है, क्योंकि साइकिल है वो साइकिल में चलती जाएगी, तो फर्स्ट स्टेज उस लास्ट स्टेज से ही बनेगी। तो जो बाई न्यूक्लेटेड एसियोस्पोर्स हैं उनसे ही, उनकी जर्मिनेशन के बाद ये स्टेज स्टार्ट होगी, कमिंग फ्रॉम द बारबेरी प्लांट। एंड ये स्टेज किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, बारबेरी प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होगी, तो वहां से ये निकल के आएगी। तो सबसे फर्स्ट इसको रेड रस्ट, इसको रस्ट स्टेज बोला जाता है। सेकंड क्या होगा, बारबेरी लीव्स के ऊपर जो बाई न्यूक्लेटेड एसियोस्पोर्स हैं उनकी जर्मिनेशन से ही यहाँ पे यूरिडिनल स्टेज प्रोड्यूस होगी, यानी कि यूरिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे।
The SU spores upon germination on wheat plant produce dikaryotic mycelium. अभी सबसे पहले हमने बोला था कि SU spores barberry plant के ऊपर होते हैं, ये होते हैं barberry plant के ऊपर. barberry plant के ऊपर ही क्या होते हैं यहाँ पे SU spores होते हैं, एंड ये कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड SU spores होते हैं. अब ये SU spores जो क्या करेंगे, अब ये आएंगे वीट प्लांट के ऊपर, ठीक है, वीट प्लांट के ऊपर आ गई. अब वीट प्लांट के ऊपर आने के बाद इनकी जर्मिनेशन होगी वीट प्लांट के अंदर, प्रोड्यूस्ड डाइकैरियोटिक माइसीलियम, क्योंकि हमें पता है दो फेज होते हैं डाइकैरियोटिक एंड हैप्लोफेज. वीट प्लांट के अंदर डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा, डाइकैरियोटिक फेज चलेगा. तो यहाँ पे वीट के अंदर आने के बाद इनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे ये, विच एंटर्स इनटू इंटरसेलुलर स्पेस. एंड ये माइसीलियम क्या करेगा, इस होस्ट की जो स्पेसेस हैं, सेल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं उनके अंदर एंटर कर जाएगा, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर एंटर कर जाएगा एंड टिश्यू थ्रू द स्टोमेटा. और या फिर हम बोल सकते हैं जो इसकी एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होंगे उनके थ्रू ये एंटर कर जाएगा, होस्ट टिश्यू के अंदर एंटर कर जाएगा एंड ये प्रेजेंट होगा इंटरसेलुलरली, यानी इंटरसेलुलर स्पीसीज के अंदर ये होगा. तो सबसे पहले क्या था, बारबेरी प्लांट के अंदर एसियो स्पोर्स थे जो कि बाई न्यूक्लिएटेड थे. अब ये आएंगे वीट प्लांट के ऊपर, वीट प्लांट के ऊपर आने के बाद इनके अंदर जर्मिनेशन होगी एंड ये प्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर देंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ठीक है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस हो गया. एंड ये जो वीट प्लांट के अंदर क्या करेगा, अब एंटर करेगा, किसके थ्रू एंटर करेगा, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है यहाँ पे उसके थ्रू ये एंटर करेगा एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर ये प्रेजेंट हो. लाइक यहाँ पे अगर हम स्टेजेस देखें, सबसे फर्स्ट ये स्टेज होगी, ये जो है यहाँ से ये माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम हो जाएंगे यहाँ पे, एंड ये यूरिडोस्पोर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है. ये स्टेज वो होगी जब यूरिडोस्पोर्स बन जाएंगे इस यूरिडिनल स्टेज के अंदर, तो ये यूरिडोस्पोर्स क्या करेंगे, इस एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे. यहाँ पे पहले क्या थी, एपिडर्मिस ये प्रेजेंट थी, इस एपिडर्मिस को इन्होंने रप्चर कर दिया एंड ये बाहर की तरफ निकलेंगे. ये एक सिंगल यूरिडोस्पोर है एंड ये इसकी स्टोक होती है. इसके बाद ये जो सी है ये इसके अंदर जर्म ट्यूब है, यानी इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, ये इसके अंदर जर्म ट्यूब प्रेजेंट है यहाँ पे. एंड फोर्थ वन इज द डी, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये स्टोमेटा है, ठीक है, ये स्टोमेटा है या फिर स्टोमेटा या फिर कोई ऐसा एपिडर्मिस के अंदर होल हो जिसको एप्रोसोरियम बोलते हैं, इस एप्रोसोरियम के थ्रू ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा. ये माइसीलियम जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इसके थ्रू ये निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके थ्रू ये निकल जाएगा बाहर. एंटर तो एक बार करेगा ये, जैसे कि एंटर क्या क्या था, जो एसियो स्पोर्स की स्टेजेस थी वहां पे एंट्री हुई थी. अब ये क्या करेगा, ये बाहर निकल गया एंड इसके अंदर ये जर्म ट्यूब बन गई है, ये जर्मिनेटिंग यूरिडोस्पोर, ठीक है, एंड ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ये होस्ट की सेल्स है जो कि इसके कहाँ प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट है. ये यहाँ पे गार्ड सेल वेसिकल्स हो गई, ये नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स हो जाएंगी. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है जो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो अब क्या होगा यहाँ पे, माइसीलियम स्प्रेड फर्दर इन द सब एपिडर्मल रीजन. माइसीलियम कौन सा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो कि वहां पे प्रोड्यूस हो गया है वीट के अंदर. अभी डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या करेगा, स्प्रेड होगा, स्प्रेड को कहाँ होगा, सब एपिडर्मल रीजन के अंदर. लाइक ये एपिडर्मिस थी यहाँ पे, ये एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस के बाद अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे सब एपिडर्मल रीजन है इसके अंदर ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा. इट गिव्स राइज अ नंबर ऑफ थिन सिलेंडर इरेक्ट हाइफे. अब ये यहाँ पे थिन सिलेंडर इरेक्ट हाइफे गिव राइज करेगा, विच ग्रो क्लोजली पैक टू फॉर्म बिलो द एपिडर्मिस. जो क्या करेंगे, इसके एपिडर्मिस क्या है, क्लोजली पैक लेयर है, उसके नीचे प्रेजेंट, ठीक है, कैसे होंगे, थिन सिलेंडर इरेक्ट हाइफे प्रेजेंट होंगे. दिस नोन एज स्पोरोफोर्स, एंड इन हाइफे को स्पोरोफोर्स बोला जाता है. द इलोंगेटेड एपिकल सेल ऑफ ईच स्पोरोफाइट. अब ये जो स्पोरोफोर था यहाँ पे, स्पोरोफोर बन गया है, अब स्पोरोफोर की जो एपिकल सेल है, एपिकल कौन सी होगी, ऊपर वाली सेल जो है, डिवाइड टू फॉर्म अ लोअर बेसल सेल एंड अपर स्पोर इनिशियल. तो ये डिवाइड करके क्या फॉर्म कर लेगी यहाँ पे, ऐसा एक अपर फॉर्म कर लेगी और एक स्पोर इनिशियल फॉर्म कर लेगी.
ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक लोअर बेसल सेल बन जाएगी, एक अपर स्पोर इनिशियल बन जाएगा, लेटर डिवाइड अगेन प्रोड्यूसिंग एन अपर स्पोर सेल। अब बाद में डिवाइड करके ये क्या करेगी, एक स्पोर सेल प्रोड्यूस कर देगी, लोअर ये स्टोक प्रोड्यूस कर देगी, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ यूरिडोस्पोर एंड एक स्टोक प्रोड्यूस हो गई है। द स्टोक सेल इलोंगेट्स टू फॉर्म स्टोक, ठीक है, स्टोक की फॉर्म में ये इलोंगेट होगी एंड द स्पोर सेल डिवेल्प्स इनटू यूरिडोस्पोर। अभी स्पोर सेल क्या करेगी, डिवेलप हो जाएगी, ये यूरिडोस्पोर के अंदर डिवेलप हो जाएगी एंड ये इलोंगेट होके स्टोक फॉर्म कर लेगी। सच ग्रुप ऑफ स्पोरोफोर्स कंसिस्टिंग ऑफ यूरिडोस्पोर्स आर नोन एज यूरिडोसोरी एंड इनको ही यूरिडोसोरी बोला जाता है, जो क्या है, एक सिम्टम है या फिर एक स्टेज है जो कि बता सकती है कि इसके ऊपर पक्सीनिया का, वीट के ऊपर पक्सीनिया का इन्फेक्शन हो गया। तो सबसे फर्स्ट क्या हुआ यहाँ पे, सबसे फर्स्ट स्टेज हमने देखी थी कि एसियो स्पोर्स होंगे बारबेरी लीव्स के ऊपर, वो एसियो स्पोर्स क्या करेंगे, वीट के अंदर आएंगे, वीट के प्लांट के ऊपर आने के बाद वहां पे ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम अब क्या होगा, सब एपिडर्मल रीजन के अंदर स्प्रेड हो जाएगा एंड ये यहाँ पे स्प्रेड होने होगा। तब उस टाइम पे थिन सिलेंडर इरेक्ट हाइफे लाइक ब्रांचेज ये गिव राइज करेगा जो कि एपिडर्मिस के नीचे क्लोजली पैक हो जाएंगे एंड इनको ही बोला जाता है स्पोरोफोर। अभी स्पोरोफोर क्या करेगा, स्पोरोफोर की जो सेल है वो डिवाइड करेगी एक लोअर बेसल सेल के अंदर, एक अपर स्पोर इनिशियल के अंदर, अगेन ये डिवाइड करके क्या फॉर्म कर देगी, एक अपर स्पोर सेल फॉर्म कर देगी एंड एक लोअर स्टोक सेल प्रोड्यूस कर देगी, स्टोक सेल इलोंगेट करके एक स्टोक बना देंगी एंड जो स्पोर सेल्स थी वो इलोंगेट होके यूरिडोस्पोर बना देंगी एंड जो स्पोरोफोर के ग्रुप है जिसके अंदर यूरिडोस्पोर प्रेजेंट होते हैं उनको यूरिडोसोरी बोला जाता है। यूरिडोसोरी कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ रेडिस ब्राउन पशल्स, ठीक है, ये रेडिस ब्राउन पशल्स की फॉर्म में नजर आ सकते हैं लीव्स के ऊपर, लीव सीड्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट इन द एंड ऑफ फरवरी एंड अर्ली मार्च सीजन के अंदर, विच फॉर्म द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज ऑन फीट। वीट के ऊपर ये फर्स्ट सिम्टम जो है ये दिखेगा, क्या दिखेगा कि राउंड रेडिश ब्राउन कलर के पश्चल्स नजर आएंगे, राउंडेड मास होंगे जिसके अंदर पक्सीनिया का इन्फेक्शन होगा, फंजाई होगी, ठीक है, वो पश्चल्स नजर आएंगे यहाँ पे लीव्स के ऊपर, लीव सीड्स के ऊपर या फिर वो स्टेम के ऊपर भी नजर आ सकते हैं एंड ये नजर आते हैं एंड ऑफ फरवरी या फिर अर्ली मार्च के अंदर। एट मेच्योरिटी ऑफ यूरिडोस्पोर द यूरिडोसोरी ब्रस्ट कॉजिंग द होस्ट एपिडर्मिस टू स्प्लिट ओपन एक्सपोजिंग द यूरिडोस्पोर। अब ये जो यूरिडोसोरी इसके अंदर ये प्रेजेंट थे, ये क्या करेंगे, मेच्योर जब हो जाएंगे तो ये यूरिडोसोरी क्या करेंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे, ब्रस्ट जब होंगे तो ये जो होस्ट की एपिडर्मिस थी, ठीक है, वीट प्लांट की जो एपिडर्मिस थी वो भी रप्चर हो जाएगी एंड ये बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है, ये यूरिडोस्पोर जो है ये बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ये सिंगल एक यूरिडोस्पोर हो जाएगा जिसके अंदर यहाँ पे एग्जाइन और इंटाइन होती है एंड एक स्टोक होती है एंड एक इसके अंदर पोर होता है जिसको जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है, ये जर्म पोर यहाँ पे हो। इसके बाद इसकी जर्मिनेशन होगी, यूरिडोस्पोर्स की जर्मिनेशन होगी। यूरिडोस्पोर एक बाई न्यूक्लेटेड ओवॉइड यूनि सेलुलर स्टोक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर स्टोक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल होती है लेकिन ये बाई न्यूक्लेटेड होती है। लाइक अगर अभी हमने डिस्कस किया था एसियो स्पोर्स भी बाई न्यूक्लेटेड होते हैं एंड वो जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम वीट प्लांट के ऊपर आके बनाते हैं, उस डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया उसके अंदर दो न्यूक्लियाई होंगे अपोजिट स्ट्रेन की, तो यहाँ पे ये सिंगल सेल होगी एंड सिंगल सेल के अंदर ये जो है दो न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट। इट इज प्रोवाइडेड विद अ थिक वॉल हैविंग टू लेयर्स, इसकी वॉल थिक होगी जिसके अंदर फर्दर दो लेयर होगी, एक एक्साइन होगी एक इंटाइन होगी। आउटर एक्सोस्पोरियम इज ब्राउन थिक ऑर्नामेंटेड जो कि स्पाइनी होगी एंड इनर इंटाइन इज थिन एंड कलरलेस होगी। आउटर एक्साइन होगी जिसको एक्सोस्पोरियम बोलते हैं जो कि एक ब्राउनिश थिक एंड ऑर्नामेंटल या फिर स्पाइनी लेयर होती है, इनर वाली इंटाइन थिन और कलरलेस होती है। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द स्पोर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयली सेल कंटेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑयली सेल कंटेन ऑयली सब्सटांसिस या फिर ऑयली पार्टिकल्स होते हैं, ऑयली कंटेंट होता है या फिर
तो इस वजह से ये कैसा नजर आता है, रेडिश ब्राउन कलर का नजर आता है। ईच यूरिडोस्पोर हैज फोर जर्म पोर्स। अब यूरिडोस्पोर के अंदर चार जर्म पोर होते हैं, थिन एरिया ऑफ सेल वॉल, यानी कि जहां पे ये सेल वॉल थिन हो जाती है, ठीक है, सेल वॉल जहां पे थिन हो जाएगी वहां पे पोर होता है, लाइक यहाँ पे ये पोर होंगे जहां से सेल वॉल थिन हो गई है। तो इसके अंदर ऐसे चार जर्म पोर्स होते हैं अराउंड इट्स मिडल। द यूरिडोस्पोर्स आर डिस्पर्स बाय विंड, एंड ये यूरिडोस्पोर्स विंड के थ्रू डिस्पर्स करती है। तो ये ऐसे इवे में इनकी जर्मिनेशन होगी। तो एक अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग से डिस्कस रिवाइज करें, तो स्टार्टिंग से सबसे पहले स्टेज थी बारबेरी प्लांट के ऊपर। सबसे पहले क्या थी, बारबेरी प्लांट के ऊपर स्टेज थी, बारबेरी प्लांट के ऊपर स्टेज थी, एसियो स्पोर्स वहां पे थे, एसियो स्पोर्स थे। ये एसियो स्पोर्स क्या आई, अब वीट प्लांट के ऊपर आई, एंड वीट प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे तो और ये प्रोड्यूस कर लेंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर क्या होगा, बाई न्यूक्लियेटेड कंडीशन होगी, एंड एक सिंगल सेल होगी एंड बाई न्यूक्लियेटेड कंडीशन होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर थिन सिलेंडर हाइफे होंगे, एंड ये हाइफे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हाइफे ऐसे टाइप के सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे जिसमें से एक ये स्टोक सेल बन जाएगी, एक स्पोर इनिशियल सेल बन जाएगी, स्पोर इनिशियल सेल बन जाएगी एंड एक यहाँ पे स्टोक सेल बन जाएगी। आगे जाके स्टोक सेल जो है इलोंगेट करेगी एंड स्टोक प्रोड्यूस कर देंगे, स्पोर इनिशियल सेल जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर देंगे, एंड ये स्पोर्स आगे जाके क्या कर देंगे, यूरिडो स्पोर्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है। एंड ये एक स्टोक होगी एंड एक यहाँ पे यूरिडो स्पोर फॉर्म हो गई। अब ये यूरिडोस्पोर्स जो है कलेक्टिवली इनको यूरिडोसोराई बोला जाता है, यानी कि वो हाइफे अंदर आएंगे एंड अंदर आने के बाद वो क्या करेंगे, एक कॉम्पैक्ट वहां पे एपिडर्मिस के नीचे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म कर लेंगे जिसको स्पोरोफोर बोला था हमने, एंड स्पोरोफोर क्या बनाएगा नेक्स्ट आगे जाके, स्पोर इनिशियल सेल्स एंड स्टोक सेल बनाएगा। स्टोक सेल मिलके स्टोक बना लेगी, स्पोर इनिशियल सेल मिलके स्पोर्स, देन यूरिडोस्पोर फॉर्म कर लेगी एंड यूरिडोसोराई बन जाएगी यहाँ पे। अब यूरिडोसोराई जब मेच्योर हो जाएंगे तो ठीक है, यूरिडोसोराई मेच्योर हो जाएंगे एंड मेच्योर होने के बाद जो इनकी वॉल थी वो रप्चर हो जाएगी, होस्ट की जो वॉल थी वो रप्चर हो जाएंगी एंड यूरिडोस्पोर्स है या फिर यूरिडो सोराई है वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, देन इनकी जर्मिनेशन होगी। अब ये यूरिडो स्पोर जो था इसके अंदर दो लेयर इसकी वॉल के अंदर होती है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है एंड यूनिसेलुलर होता है, एग्जाइन एंड इंटाइन इसके अंदर होती है एंड इसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है जिसकी वजह से इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। एंड ये जो है, अब यूरिडोस्पोर्स इनके अंदर चार जर्म पोर होते हैं जिनके थ्रू जर्म ट्यूब निकलेगी एंड जर्मिनेशन हो जाएगी एंड ये विंड के थ्रू फिर डिस्पर्स किए जाते हैं। जर्म पोर निकल गए, विंड के थ्रू डिस्पर्स किए जाएंगे, जैसे ही इनको अपना नेक्स्ट एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या फिर होस्ट मिलेगा या फिर सब्ट्रैक्टर मिलेगा, ये जर्मिनेशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे विंड के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स होने के बाद अब ये नेक्स्ट पहुंचेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट पहुंचेंगे ये वीट प्लांट के ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये बिहेव करते हैं कोनिडिया की तरह बिहेव करते हैं एंड पोजेसेस द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑन वीट प्लांट। लाइक कोनिडिया हमने कई बार डिस्कस किए हैं एल्गी के अंदर, तो कोनिडिया क्या करते हैं, डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं, वैसे ही इनके अंदर कैपेसिटी होती है जैसे ये वीट प्लांट के कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड उनके ऊपर क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जर्मिनेशन कर लेंगे। इट कांट इन्फेक्ट द अल्टरनेट होस्ट, एंड ये जो फर्स्ट इसकी स्टेज चल रही है इसके ऊपर ये सेकेंड होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि बारबेरी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दस इन स्प्रिंग सीजन के अंदर द फंगस स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। अभी फंगस जो है, यानी कि जो ये यहाँ पे कोनिडिया की तरह यूरिडोस्पोर्स बिहेव कर रहे हैं, वो प्लांट टू प्लांट,
वीट की क्रॉप के अंदर प्लांट टू प्लांट वो स्प्रेड होंगे, फंगस स्प्रेड होगी, फील्ड टू फील्ड स्प्रेड होगी, प्लांट टू प्लांट एंड फील्ड टू फील्ड स्प्रेड होगी थ्रू द यूरिडोस्पोर्स, इन यूरिडोस्पोर्स के थ्रू। फिर यूरिडोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाएंगे अगर कंडीशंस फेवरेबल है, सून आफ्टर इट्स कॉन्टैक्ट विद वीट लीव्स। अगर कंडीशंस फेवरेबल है एंड जैसे ही ये वीट प्लांट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं, जल्दी ही ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। इट प्रोड्यूस्ड वन और मोर जर्म ट्यूब विच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एपिडर्मिस। लाइक ये जो है ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये यूरिडोस्पोर ये दो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये वन या फिर इससे ज्यादा जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं विच ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एपिडर्मिस। लाइक ये जो है ये यूरिडोस्पोर था, ये यूरिडोस्पोर अब क्या है, जर्मिनेटिंग यूरिडोस्पोर है क्योंकि इसने ये जर्म ट्यूब निकालनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, इसकी जर्म ट्यूब यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई है। When a germ tube enter the stoma, अब यहाँ पे लाइक या तो ये स्टोमा के अंदर एंटर कर सकती है या फिर कोई और होल हो सकता है, यहाँ पे कोई पोर हो सकता है उसके थ्रू एंटर कर सकती है, तो ये जो जर्म ट्यूब है अब ये क्या करेगी, इस होस्ट एपिडर्मिस के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। होस्ट एपिडर्मिस के अंदर एंटर करने के लिए या तो ये स्टोमा के थ्रू एंटर करेगी यानी स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी, आइदर इट डायरेक्टली पेनिट्रेट्स थ्रू द स्टोमेटा या फिर और इट्स टिप्स डिवेलप इनटू एन इलोंगेटेड वेसिकल कॉल्ड ए प्रेसोरियम। या तो इसकी टिप जो है एक इलोंगेटेड वेसिकल बना लेंगी, ठीक है, ऐसा टाइप का एक इलोंगेटेड वेसिकल बना लेंगी जो जर्म ट्यूब की टिप है, ठीक है। ये क्या होगा, ये एक वेसिकल यहाँ पे फॉर्म हो गया, इलोंगेटेड वेसिकल होगा जिसको ए प्रेसोरियम बोला जाएगा। या तो ये ए प्रेसोरियम के थ्रू एंटर करेंगी, यानी ये जो स्टोमा है, स्टोमेटा है, इसके अंदर ये ए प्रेसोरियम जो है डिवेलप हो गई, इसके अंदर जाएगा। इसके बाद ये जो है द कंटेंट ऑफ द स्पोर माइग्रेट इनटू ए प्रेसोरियम। अब जो भी कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है, जो भी कंटेंट है स्पोर का वो माइग्रेट करेगा एंड माइग्रेट करके वो चला जाएगा इस ए प्रेसोरियम के अंदर, विच इज देन गोट सेपरेटेड फ्रॉम द एम्प्टी जर्म ट्यूब ड्यू टू सेप्टेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट ये जो यहाँ पे जर्म ट्यूब थी इसके अंदर भी एक सेप्टम आ जाएगा, यानी सेप्टम के थ्रू ये अलग हो जाएगी, यानी कि जर्म ट्यूब यहाँ पे एम्प्टी बच गई है, जो भी कंटेंट था वो ए प्रेसोरियम के अंदर आ गया। ए प्रेसोरियम एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सेप्टेशन की वजह से ये अलग हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या था यहाँ पे, जैसे ही ये डिस्पर्स होंगे विंड के थ्रू, ये दूसरे प्लांट्स या फिर वीट प्लांट्स के कांटेक्ट में आएंगे एंड ये अपना स्प्रिंग सीजन के अंदर प्लांट टू प्लांट, फील्ड टू फील्ड, ये वीट क्रॉप के अंदर अपना इन्फेक्शन या फिर फंगस स्प्रेड हो जाएगी यूरिडोस्पोर्स के थ्रू। अब ये यूरिडोस्पोर्स जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वीट प्लांट के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है, वीट प्लांट या फिर वीट लीव्स के कॉन्टैक्ट में आएंगे। वीट लीव्स के कॉन्टैक्ट में आने के थोड़ी देर बाद तक ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। जर्मिनेशन स्टार्ट होने के लिए इनके अंदर जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होती है, जो कि दो एक या एक से ज्यादा जर्म ट्यूब इनके अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये जर्म ट्यूब कहाँ पे होगी, ये जर्मिनेट होंगे जो इसके लीव के सरफेस के ऊपर, एंड लीव्स के अंदर स्टोमेटा होंगे, तो उन स्टोमेटा के थ्रू ये जर्म ट्यूब उस होस्ट के अंदर एंटर कर जाएगी। अब उस होस्ट के अंदर एंटर करने के लिए ये क्या करेंगे, एक वेसिकल फॉर्म करेंगे जिसको ए प्रेसोरियम बोलते हैं, ठीक है, ये ए प्रेसोरियम वेसिकल फॉर्म होगा एंड जो भी कंटेंट होगा यहाँ पे स्पोर का, यूरिडोस्पोर का, वो इस ए प्रेसोरियम के अंदर आ जाएगा एंड बाद में क्या होगा, यहाँ पे एक सेप्टम बन जाएगा एंड जिसकी वजह से ये एम्प्टी जर्म ट्यूब अलग हो जाएगी। अब इसके बाद ए फाइन पैग लाइक आउट ग्रोथ कार्ड इन्फेक्शन पैग अराइज फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द ए प्रेसोरियम। अब ये जो ए प्रेसोरियम था इसके सरफेस से एक यहाँ पे पैज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक आउट ग्रोथ फॉर्म होगी जिसको इन्फेक्शन पैज बोला जाता है एंड एंटर्स थ्रू द स्टोमाटू फॉर्म सब स्टोमल वेसिकल। अभी तक हमने ये देखा था कि यहाँ पे ये एपिडर्मिस थे, ये स्टोमा हो गया एंड यहाँ पे ये जर्म ट्यूब थी एंड यहाँ पे क्या था, यूरिडोस्पोर था एंड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया था एक, ये ए प्रेसोरियम था, ठीक है, इलोंगेटेड वेसिकल था। अब ये क्या करेगा, ए प्रेसोरियम जो इसका कंटेंट होगा, जो भी इसके अंदर चीजें होंगी, ये माइग्रेट कर देगा इसको एक सब स्टोमल वेसिकल के अंदर।
या यानी कि ये जो स्ट्रोमा है या फिर स्ट्रोमेटा है उसके नीचे जो पोर्शन होगा उसको सब स्ट्रोमल वेसिकल बोलेंगे या फिर सब स्ट्रोमल रीजन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एक और वेसिकल फॉर्म हो जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे सब स्ट्रोमल वेसिकल बोला जाएगा। तो जो भी कंटेंट होगा वो क्या कर दिया जाएगा, वो इस सब स्ट्रोमल वेसिकल के अंदर भेज दिया जाएगा। वन और मोर इन्फेक्शन हाइफे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेसिकल, और इस वेसिकल से, ये जो वेसिकल है यहाँ पे, इस वेसिकल से कुछ हाइफे यहाँ पे अराइज होंगे। इस वेसिकल से अब क्या होगा यहाँ पे, इस वेसिकल से वन और मोर हाइफे यहाँ पे अराइज होंगे, ऐसे टाइप के हाइफे यहाँ पे अराइज होंगे। एंड ये कैसे होंगे, ऐसे डाइकैरियोटिक हाइफे या फिर माइसीलियम, इनको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, ऐसे टाइप के यहाँ पे हाइफे जो है बन जाएंगे। तो यहाँ पे वन और मोर इन्फेक्शन हाइफे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेसिकल, इस वेसिकल से ओरिजिनेट हुए हैं ये हाइफे एंड ग्रो करेंगे विगरसली एंड प्रोड्यूसिंग द डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस। हाइफे थे, हाइफे का नेटवर्क क्या होता है, माइसीलियम होता है। तो पहले हाइफे बने, हाइफे से ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस कर देंगे इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, क्योंकि ये जो है ये एपिडर्मिस थी, यहाँ पे ये एपिडर्मिस थी। अब ये स्ट्रोमा हो गया, यहाँ से नीचे ही क्या होगा, सब एपिडर्मस स्पेसेस हो गए एंड यहाँ पे जो है अलग अलग होस्ट की सेल्स होंगी। एंड ये जो हाइफे है ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे इन इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो भी एप्रेसोरियम था उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट जो है एक सब स्ट्रोमल एक वेसिकल के अंदर चला जाएगा। एंड ये सब स्ट्रोमल वेसिकल से हाइफे अरोज होंगे, हाइफे बनना स्टार्ट होंगे। ये हाइफे क्या कर देंगे, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना देंगे एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है इन इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। इट टेक्स न्यूट्रिशन थ्रू द होस्टोरिया, ये जो यहाँ पे ये हाइफे है, माइसीलियम है, ये होस्टोरिया के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं होस्ट सेल से। एंड विद इन 6 to 10 days, एंड 6 से 10 दिन के अंदर ये एक फ्रेश क्रॉप जो है यूरिडोस्पोर्स की प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी अगेन क्या होगा, यूरिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, यूरिडोसोरी होगा, स्पोरोफोर्स होंगे, देन जो हमने स्टेजेस देखी थी, स्पोर इनिशियल बनेगा, स्टोक इनिशियल स्टोक सेल बनेगी, देन एक स्टोक बन जाएगी, एक यूरिडोस्पोर या फिर स्पोर यूरिडोस्पोर यूरिडोसोरी बन जाएंगे। एंड अगेन क्या होगा, यहाँ पे ये मेच्योर होने के बाद होस्ट की एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे एंड ये बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये एक फ्रेश क्रॉप जो है यूरिडोस्पोर्स की बना देंगे। दस यूरिडोस्पोर्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो इस वे में ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं ऑफ द फंगस ओवर अ लार्ज एरिया टिल द इन्वायरमेंटल कंडीशंस रिमेन फेवरेबल। जब तक कंडीशन सुटेबल रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी, तब तक ये जो इसका स्पोर प्रोडक्शन का काम है, यूरिडोस्पोर्स बनने जो बन रहे हैं वो ऐसे ही बनते रहेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा फील्ड के अंदर ये जो क्रॉप है उसके अंदर ये फैल जाएंगे। इसके बाद ये यूरिडोस्पोर्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ठीक है, यूरिडोस्पोर्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये एक स्लाइड है जिसके अंदर ये यूरिडोस्पोर्स जो है निकल रहे हैं एंड ये होस्ट की एपिडर्मिस है जो कि रप्चर हो गई। बोर ऑन स्टोक ऑन डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर स्टोक्स होंगी एंड उन स्टोक्स के ऊपर ही ये बोर्न होते हैं, वन सेल्ड होते हैं। हमने पहले भी देखा था कि ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर ये बाइन्यूक्लिएटेड होंगे। यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल इन आउटलाइन, आउटलाइन के अंदर ये ओवल होते हैं, बाइन्यूक्लिएट होते हैं विद प्रोमिनेंट स्ट्रोक। ठीक है, बाइन्यूक्लिएट होंगे एंड स्ट्रोक इनकी प्रोमिनेंट होगी। येलोइस ब्राउन कलर के ये होते हैं, प्रोड्यूस्ड ऑन वीट प्लांट इन यूरिडोसोरी एंड वीट प्लांट के अंदर, यूरिडोसोरी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। वाल क्या करेगी, अब यहाँ पे बीरिंग इक्वी डिस्टेंट जम्प पोर, ठीक है, वॉल क्या प्रोड्यूस करती है, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट जम्प पोर प्रोड्यूस करती है। लाइक हमने देखा था कि एक यूरिडोस्पोर के अंदर 4 जम्प पोर प्रेजेंट होते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि इन स्ट्रक्चर्स को देख के, यानी कि इन करेक्टर्स को देख के हम पहचान सकते हैं कि ये यूरिडोस्पोर है। तो फर्स्ट स्टेज जो है यूरिडोस्पोर की यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद सेकंड स्टेज आती है टेलियल स्टेज, ठीक है, सेकंड स्टेज क्या है, यहाँ पे
टेलियल स्टेज। टेलियल स्टेज जो है इसको ब्लैक रस्ट स्टेज बोलते हैं, जैसे कि वो रेड रस्ट स्टेज थी वैसे ये ब्लैक रस्ट स्टेज है। लाइक यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक जो नजर आ रहे हैं ये क्या है, ब्लैक रस्ट या फिर ये जो है इन्फेक्शन है यहाँ पे इसका। लेट इन ग्रोइंग सीजन व्हेन द कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन जब तक चलेगी तब तक क्या था वहां पे यूरिडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे कंडीशंस अनफेवरेबल बन जाएंगी यूरिडोस्पोर्स के लिए, द क्रॉप इज गोइंग टू मेच्योरिटी, अनदर काइंड ऑफ स्पोर्स कॉल्ड टेलियोस्पोर्स, जिनको टेलियोस्पोर्स भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, टेलियोस्पोर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे या फिर टेल्यूटोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब तक फेवरेबल कंडीशन थी कि यूरिडोस्पोर्स ने भर भर के अपनी जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करी और बहुत सारे वहां पे यूरिडोस्पोर्स बना लिए। जैसे ही अब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगे, यानी कि यूरिडोस्पोर्स के लिए ये कंडीशन अनफेवरेबल है, वो इसके अंदर अब और ज्यादा जर्मिनेट या फिर और ज्यादा अपनी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक दूसरे टाइप के स्पोर्स जिनको टेलिटोस्पोर्स और टेलियोस्पोर्स बोला जाता है वो प्रोड्यूस होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाई द सेम माइसीलियम एंड विद इन द यूरिडोस्पोर। अब ये क्या होते हैं, जो जिस माइसीलियम के ऊपर यूरिडोस्पोर्स बन रहे थे उसी माइसीलियम के ऊपर ये प्रोड्यूस होते हैं, एंड विद इन यूरिडोसोरी ही ये प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट इनिशियली देर इज अ मिक्स्ड क्रॉप ऑफ यूरिडोस्पोर्स एंड टेलिटोस्पोर्स इन यूरिडोसोरी। स्टार्टिंग में वहीं पे यूरिडोस्पोर्स होते हैं एंड वहीं पे टेलिटोस्पोर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक मिक्स्ड क्रॉप होते हैं यूरिडोस्पोर्स के एंड टेलिटोस्पोर्स की यूरिडोसोरी के अंदर। As the season changes, जैसे जैसे season change होता जाएगा, more and more टेलिटोस्पोर्स are produced in place of यूरिडोस्पोर्स। ज्यादा से ज्यादा अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे टेलिटोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, यूरिडोस्पोर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए conditions यहाँ पे unfavorable हो गई है। The sori produced in late season contain only टेलिटोस्पोर्स are called टेलिटोसोरा। अब जो सोराई यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे लेट सीजन के अंदर, तो अब तक तो हमने यूरिडोसोरी बोला था क्योंकि इसके अंदर यूरिडोस्पोर्स बहुत सारे थे। अब जैसे जैसे सीजन जो है वो और आगे जाता जाएगा, यानी कि लेट सीजन आता जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे टेलिटोस्पोर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड यहाँ पे ये जो सोराई थी इसको टेलिटोसोराई बोलेंगे। ठीक है, जैसे यूरिडोसोराई थी वैसे टेलिटोसोराई बन जाएंगे। Thus, the uridinal stage gradually changes into telial stage. तो ये जो uridinal stage है gradually धीरे धीरे करके ये telial stage या फिर टेलिटोस्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है या फिर चेंज हो गई है। इट कैन बी रिकोगनाइज बाई द प्रेजेंस ऑफ डार्क ब्राउन और ब्लैक पस्टल्स ऑन स्ट्रीक्स ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होगी, स्टेम की जो स्ट्रीक्स होंगी उनके अंदर ऐसे ये जो है ब्राउन, या तो ये डार्क ब्राउन हो सकते हैं या तो ये ब्लैक कलर के पस्टल्स नजर आते हैं, जो क्या होते हैं जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि यहाँ पे ब्लैक रस्ट स्टेज आ गई है। दीज आर नोन एज टेलिया और टेलिटोसोरी, एंड ये जो ब्लैक पस्टल्स है या फिर ब्राउन पस्टल्स है, डार्क ब्राउन पस्टल्स है, इनको टेलिटोसोरी या फिर इनको टेलिया बोला जाता है। ठीक है, तो टेलियल स्टेज क्या है, जैसे ही यूरिडोस्पोर्स के लिए अनफेवरेबल सीजन आएगी तो यूरिडोसोर्स के साथ ही फिर यूरिडोसोर्स जो है टेलियोस्पोर्स के अंदर, टेलिटोस्पोर्स के अंदर या फिर टेलिया के अंदर कन्वर्ट या फिर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इनको इस सोराई को हम बोलते हैं टेलिटोसोराई। एंड जैसे जैसे लेट सीजन आता जाएगा ज्यादा टेलिटोस्पोर्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, एंड ये जो है डार्क पस्टल्स या फिर डार्क ब्राउन कलर के या फिर ब्लैक कलर के पस्टल्स होंगे उनसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। द टेलिटोस्पोर्स आर ब्लैक और ब्राउन स्टॉक्ड बाई सेल्ड स्पिंडल शेप के थिक वॉल स्ट्रक्चर। ये कैसे होते, बाई सेल्ड होते, ठीक है, ये टेलिटोस्पोर्स जो है ये ऐसे बाई सेल्ड होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। द सेल वॉल इज हाईली थिकेंड स्मूथ एंड बाई लेयर्ड होती है, इसकी सेल वॉल हाईली थिकेंड बाई लेयर्ड होती है एंड स्मूथ होती है। ईच स्पोर शोज अ स्लाइट कॉन्स्ट्रिक्शन एट द सेप्टम बिटवीन टू सेल्स, दो सेल के बीच में, ठीक है, दोनों सेल के बीच में यहाँ पे क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे होती है।
बिटवीन दो टू सेल्स, दो सेल के बीच में, एंड द टिप इज यूजली पॉइंटेड और राउंडेड, एंड इसकी जो टिप है वो पॉइंटेड या फिर यहाँ पे यूजली राउंडेड होती है. ईच सेल ऑफ द टेलिटोस्पोर इज बाई न्यूक्लेटेड, यानी कि जैसे कि अब तक ये डाइकैरियोटिक इसका फेज चल रहा है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बने हैं ये, तो ये डाइकैरियोन ही होंगे. ठीक है, तो ये कैसे होंगे, बाई न्यूक्लेटेड होंगे, दो न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होंगे. At maturity, two nuclei fuse to form diploid nucleus in each cell. And जैसे ही maturity आएगी, दोनों के दोनों nuclei fuse हो जाएंगे and एक diploid nucleus ये form कर लेंगे. Each cell has its own germ pore and हर एक cell का, भाई cell है, दो cell है, हर एक cell का यहाँ पे इसकी खुद की ही germ, इसके खुद के germ pore होते हैं, which is apical in upper cell and lateral just below the septum in lower cell. And position क्या होगी इनकी, इनकी position होती है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो होती है अपर सेल की, ये अपर सेल की हो गई, एंड लोअर सेल की यहाँ पे होती है, जैसे ही सेप्टम के बिलो ये होती है, सेप्टम की जो लोअर सेल है वहां पे सेप्टम जो है उसके बिलो ही ये एक जम पोर प्रेजेंट होता है. ठीक है, एक जम पोर यहाँ पे अपर, एक अपर वाली सेल का तो अपर पार्ट में एपिकल पोर्शन में प्रेजेंट होगा, एंड लोअर वाली सेल का जो जस्ट सेप्टम के बिलो यहाँ पे प्रेजेंट होगा. एंड यहाँ पे ये टेलिटोसोर ये जिसके अंदर बहुत सारे टेलिटोस्पोर्स ये है, एंड ये होस्ट की वॉल है जो कि रप्चर हो गई है. यहाँ द लिब्रेशन ऑफ टेलिटोस्पोर्स इज बाय रप्चर ऑफ होस्ट एपिडर्मिस, होस्ट एपिडर्मिस का रप्चर हो जाएगा तो यहाँ पे टेलिटोस्पोर्स का लिब्रेशन या फिर वो निकल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे. अनलाइक दैट ऑफ द यूरिडोस्पोर्स, द टेलिटोस्पोर्स डू नॉट जर्मिनेट इमीजिएटली बट एक्ट एज रेस्टिंग स्पोर. जैसे कि यूरिडोस्पोर्स कोनिडिया की तरह एक्ट करते थे, डायरेक्ट जर्मिनेशन कर देते थे, लेकिन ये रेस्टिंग स्पोर की तरह एक्ट करते हैं, ये कुछ टाइम तक रेस्ट करेंगे. This is due to unfavorable environmental conditions. क्योंकि यूरिडोस्पोर्स के बाद conditions unfavorable आ गई थी, तो unfavorable condition के during ये rest पे रहेंगे, and the harvest of the wheat crop. And इस time पे क्या होगा, यहाँ पे जो wheat crop है वो harvest कर ली जाती है. So the टेलिटोस्पोर्स can't reinfect wheat plant. तो ये टेलिटोस्पोर्स reinfect नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे यूरिडोस्पोर्स ने किया था, स्प्रेड किया था अपना इन्फेक्शन, वैसे ये नहीं कर सकती है. द मेच्योर टेलिटोस्पोर विद डिप्लोइड न्यूक्लिया इन ईच सेल रिमेन डोरमेंट इन वीट स्ट्रो स्टबल स्टबल्स और इन सोइल टिल द एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन बिकम फेवरेबल. जब तक कंडीशंस फेवरेबल, एनवायरमेंट के कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती, एनवायरमेंट स्टेबल नहीं हो जाता इनकी जर्मिनेशन के लिए, तब तक ये या तो वीट स्ट्रो के अंदर रहेंगे, या तो ये उनके जो स्टबल्स होंगे उनके अंदर रहेंगे, या फिर ये सोइल के अंदर चले जाएंगे, यानी कि जो वीट का डेब्रिस होगा, स्ट्रोक्स होंगे उनके अंदर होंगे, स्ट्रो के अंदर, या फिर ये सोइल के अंदर चले जाएंगे. दे रिक्वायर हाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी मॉइस्चर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर बिफोर जर्मिनेशन. ठीक है, इनको जर्मिनेशन से पहले मॉइस्चर फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है. अगर वो कंडीशंस मिलेंगी तभी जाके ये जर्मिनेट करेंगे. They germinate in the soil or in, on wheat plant debris whenever they are as no host is required for their germination. अब ये जो stage है इन टेलिटोस्पोर्स की जर्मिनेशन के लिए, कोई यहाँ पे अलग से होस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है. अगर ये स्ट्रो के अंदर प्रेजेंट है, वीट स्ट्रो के अंदर, तो वहाँ पे ही जर्मिनेट कर जाएंगे, लेकिन इनको फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए, लाइक ह्यूमिडिटी मॉइस्चर फ्रीजिंग टेम्परेचर यहाँ पे मिलना चाहिए, या तो ये सोइल के अंदर है तो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएंगे. ठीक है, जहाँ पे भी होंगे ये प्रेजेंट वहीं पे ये जर्मिनेट कर जाएंगे. ये सारी स्टेजेस थी टेलिटोस्पोर्स, ये हो गई. ठीक है, ये टेलिटोस्पोर्स होंगे, रप्चर करके ये निकल जाएंगे, एंड ये एक सिंगल टेलिटोस्पोर हो गए यहाँ पे. एंड इसके बाद ये टेलिटोस्पोर क्या करेगा, बेसिडियोस्पोर्स, ये टेलिटोस्पोर्स जर्मिनेट करेगा जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, एंड ये प्रोड्यूस करेगा बेसिडियोस्पोर्स. ठीक है, तो ये जर्मिनेटिंग टेलिटोस्पोर्स है जिसके अंदर ये टिप के ऊपर ये बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. तो इसके बाद इन टेलिटोस्पोर्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, बोर्न ऑन स्टोक ऑन डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम के ऊपर, स्टोक्स के ऊपर बोर्न होंगे. बाई सेल्ड होते हैं, दो सेल के होते हैं, स्टोक थीकर देन यूरिडोस्पोर्स, इनकी स्टोक जो है वो थीकर होती है यूरिडोस्पोर्स से.
बाई न्यूक्लिएट होते हैं जब ये यंग होते हैं, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट होंगे जब ये यंग होंगे, ओवल इन आउटलाइन होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, अपर सेल इज ब्लंट एंड एट एंड थिकेंड एपिक्स होता है, ठीक है, एपिक्स कैसा होगा इसका, ये एपिक्स है, ये थिकेंड होता है, थिक होता है सर, स्पोर वॉल स्मूद होते हैं इसकी, ईच सेल हैज अ जम पोर एपिकल इन अपर वाल अपर सेल के अंदर एंड लेटरल बेसल जो होगी सेप्टम के नीचे इसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे टेलेटोस्पोर्स को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, फिर उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड स्टेज आएगी बेसिडियल स्टेज। बेसिडियल स्टेज जो है अब यहाँ पे जो टेलेटोस्पोर्स है उनकी जर्मिनेशन होके यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड काइंड ऑफ स्पोर, ठीक है, थर्ड काइंड का स्पोर होगा इसके अंदर। लाइक फर्स्ट हमने देखा था यूरिडोस्पोर्स थे, सेकंड यहाँ पे टेलेटोस्पोर्स थे, थर्ड टाइप के स्पोर्स होते हैं जिनको बेसिडियोस्पोर्स बोला जाता है, उससे ये कैरेक्टराइज किए जाते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन जर्मिनेशन ऑफ टेलेटोस्पोर्स, जो कि टेलेटोस्पोर्स की जर्मिनेशन के बाद ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। टेलेटोस्पोर था, इसकी जर्मिनेशन होगी तभी ये बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। टेलेटोस्पोर्स आफ्टर पीरियड ऑफ डोरमेंसी throughout winter on wheat plant debris or in soil germinate in the next spring के अंदर ये क्या होंगे, germinate होंगे। पहले क्या थे, टेलेटोस्पोर्स dormant हो गए थे, unfavorable condition आ गई थी, इनकी germination के लिए favorable condition आएगी जब तक ये क्या रहेंगे, dormancy के अंदर रहेंगे, throughout the winter ये dormancy के अंदर रहेंगे, जैसे ही spring आएगी वापिस से ये germinate होना start हो जाएंगे। During its germination, each of its cell give rise to a germ tube. अब germination के time पे क्या होगा, हर एक cell है, जो एक cell ये है, एक cell ये है, ये अपने germ pore के through germ tube निकाल रही, produce कर रही है, which is a short slender hyaline hypha होता है of limited growth called promycelium or epibasidium. अब ये हाइफे को यहाँ पे प्रोमाइसीलियम या फिर एपिबेसिडियम बोला जाता है, यानी कि ये जो जर्म ट्यूब निकली है इससे एक प्रोमाइसीलियम या फिर एपिबेसिडियम बनेगा। एंड इस ये हाइफा जो होता है शॉर्ट होता है, सिलेंडर होता है, ट्रांसपेरेंट या फिर हाईलाइन होता है, एंड इसकी ग्रोथ भी लिमिटेड ही होती है। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस माइग्रेट इंटू द प्रोमाइसिलियम, एंड यहाँ पे जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो क्या करेगा, इस प्रोमाइसिलियम के अंदर माइग्रेट कर जाएगा, चला जाएगा। डिवाइड्स म्योटिकली, एंड यहाँ पे म्योटिकली ये डिवाइड करेगा टू प्रोड्यूस फोर हैप्लोइड, लाइक यहाँ पे दो थे, यहाँ पे भी दो थे, अब ये जो है इनके अंदर क्या होगी, यहाँ पे म्योटिकली ये डिवाइड करेंगे एंड ये कलेक्टिवली फोर प्रोड्यूस कर देंगे, दो थे दो से ये चार प्रोड्यूस हो जाएंगे न्यूक्लियाई, विच गेट अरेंज इन अ लीनियर रो ऑफ प्रोमाइसिलियम, एंड ये क्या हो जाएंगे, ऐसे लीनियर रो के अंदर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये कैसे हो गए, यहाँ पे लीनियर रो के अंदर अरेंज हो जाएंगे चारों के चार न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये जो स्टेज है इसके अंदर ये टेलेटोस्पोर्स से ही बनेंगे, टेलेटोस्पोर्स जब जर्मिनेशन करेंगे तो इनके अंदर जर्म ट्यूब प्रोड्यूस होंगी अपनी खुद की, क्योंकि इनके अंदर खुद के अपने अपने जर्म पोर होते हैं, तो ये जर्मिनेशन के टाइम पे जो जर्म ट्यूब निकलेगी उस जर्म ट्यूब की लिमिटेड ग्रोथ होती है, एंड इसको प्रोमाइसीलियम या फिर एपिबेसिडियम बोला जाता है। एंड इसके अंदर क्या होगा, अब म्यूटिकली इनके जो न्यूक्लियाई थी वो डिवाइड करेंगी, यानी कि इसके अंदर जो भी यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो डिवाइड करेगा, एंड ये क्या कर देगा, चार न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर देगा जो कि अरेंज हो जाएगी एक लीनियर रो के अंदर प्रोमाइसीलियम। Of these four daughter nuclei, two are of plus strain and two are of minus strain. हमने पहले भी देखा था कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये बाई न्यूक्लिएटेड होंगे तो इसके अंदर अपोजिट स्ट्रेन की, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई होती है, तो अब यहाँ पे दो प्लस स्ट्रेन की होंगी, दो माइनस स्ट्रेन की न्यूक्लियाई होगी। लाइक ये जर्मिनेटिंग टेलेटोस्पोर है, यहाँ पे प्रोमाइसीलियम बना एंड ये डिप्लोइड न्यूक्लियस है, अब इसके अंदर मियोसिस होगी, म्योटिकली डिवाइड करके ये दो बने, दो से ये चार बन गए यहाँ, एंड इनमें दो माइनस स्ट्रेन है एंड दो प्लस स्ट्रेन है।
Thus, it may be noted here that diplophase is very reduced here, represented by diploid nuclei of the mature टेलीटोस्पोर. सिर्फ यहाँ पे mature टेलीटोस्पोर के अंदर ही diploid condition है, इसके बाद ये अलग अलग हो गई है. The four nuclei in the promycelium becomes separated from each other due to formation of transverse septa. अब यहाँ पे ट्रांसवर्स सेप्टा बनने स्टार्ट हो जाएंगे. इन ट्रांसवर्स सेप्टा की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियाई अलग अलग हो जाएंगी, फोर की फोर न्यूक्लियाई अलग हो जाएंगी. सेप्टा एपिबेसिडियल सेल एंड शॉर्ट जर्म ट्यूब ग्रोज आउट विच इज कॉल्ड स्ट्रिग स्टेरिग्मा एंड इसको प्लूरल में स्टेरिग्मेटा बोलते हैं. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे ऐसे शॉर्ट जर्म ट्यूब ग्रो हो जाएगी जिसको यहाँ पे स्टेरिग्मा या फिर स्टेरिग्मेटा बोला जाता है. द टिप ऑफ ईच स्टेरिग्मा स्वेल्स अप एंड हैप्लोइड न्यूक्लियस ऑफ एपिबेसिडियल सेल माइग्रेट इनटू द स्वेलिंग थ्रू द स्टिग्मेटिक ट्यूब. अब यहाँ पे एक स्टिग्मेटिक ट्यूब बनेगी जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये जो ये यहाँ पे हर एक इसके टिप के ऊपर बने थे, ये हर एक टिप के अंदर इनके अंदर जो यहाँ पे न्यूक्लियस था, हैप्लोइड न्यूक्लियस था, ठीक है, यानी कि दो यहाँ पे नेगेटिव, ये जो हैप्लोइड न्यूक्लियस थे वो क्या कर जाएंगे, इनके अंदर मूव कर जाएंगे. एंड मूव करने के बाद सेप्टा हो जाएगा एंड ये अलग हो जाएंगे. तो नेक्स्ट क्या होगा, द स्वेल्ड टिप विद द हैप्लोइड न्यूक्लियस बिकम सेपरेटेड. अब ये जो स्वेल्ड टिप थी ये क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टिग्मा ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम इन बिटवीन देम. एक सेप्टम डिवेलप हो जाएगा जिसकी वजह से ये अलग हो जाएंगी. द स्वेल्ड टिप डिवेल्प इन टू बेसिडियोपोर एंड यही स्वेल्ड टिप क्या करेगी, इन बेसिडियोपोर्स के अंदर डिवेल्प हो जाएगी. दस ईच एपिबेसिडियम प्रोड्यूस फोर बेसिडियोपोर. तो एक जो है एक एपिबेसिडियम या फिर प्रोमाइसिलियम क्या करता है, चार बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है. Because the fungus is heterothallic, two of the four basidiospores are plus strain and two are of minus strain. चार में से दो यहाँ पे क्या होंगे, plus strain के होंगे and दो यहाँ पे क्या होंगे, minus strain के होंगे. क्योंकि fungus के अंदर हमने देखा था dikaryotic condition के अंदर ये कैसे होंगे, heterothallic condition होगी जिसके अंदर opposite strain के nuclei होंगे. तो इसके अंदर दो यहाँ पे plus strain के आ जाएंगे, दो minus strain के आ जाएंगे. तो इस वे में इन टेलीटोस्पोर्स से यहाँ पे क्या बन गए हैं, बेसिडियोस्पोर्स बन गए हैं. पहले यहाँ पे यूरिडोस्पोर्स थे, यूरिडोस्पोर्स से जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आई टेलीटोस्पोर्स बने एंड इन टेलीटोस्पोर्स के अंदर जर्मिनेशन होके बेसिडियोस्पोर्स बन गए. ईच बेसिडियोस्पोर इज माइन्यूट यूनिसेलुलर थिन वॉल्ड यूनिन्यूक्लियेट हैप्लोइड स्ट्रक्चर. अब हमने देखा था कि इनके अंदर म्योसिस जब होगी ये हैप्लोइड बन जाएंगे. तो ये यूनिन्यूक्लियेट थिन वॉल्ड यूनिसेलुलर माइन्यूट हैप्लोइड स्ट्रक्चर होते हैं. दे आर डिस्चार्ज बाई वॉटर ड्रॉप मैथड एंड डाइसेमिनेटेड बाई फीट. जैसे वॉटर ड्रॉप मैथड होता है, लाइक यहाँ पे टिप के ऊपर अगर एक वॉटर ड्रॉप प्रेजेंट है तो थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगी, ड्रॉप वो डाउन हो जाएगी, वो वहां से नीचे गिर जाएगी. तो वैसे ही यहाँ पे वॉटर ड्रॉप मेथड के थ्रू ये डिस्चार्ज होते हैं, वॉटर ऊज करके डिस्चार्ज हो जाएंगे एंड विंड के थ्रू ये डाइसेमिनेटेड हो जाएंगे. द बेसिडियोस्पोर कांट जर्मिनेट डायरेक्टली बिकॉज दे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट होस्ट. अब इनको एक अल्टरनेट होस्ट की जरूरत होती है. लाइक हमने पिछली दो स्टेजेस के अंदर देखा कि अगर उनको अल्टरनेट होस्ट मिल भी जाए तब भी वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन इस स्टेज के अंदर अगर इनको अल्टरनेट होस्ट मिल जाता है, सेकेंडरी होस्ट मिल जाता है, तो जैसे कि बारबेरी प्लांट मिल जाता है, तो ये अपनी लाइफ साइकिल नेक्स्ट कंटिन्यू करें. दे आर शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बिकम डिस्ट्रॉयड इफ द अल्टरनेटिव होस्ट आर नॉट अवेलेबल. एंड अगर अल्टरनेटिव होस्ट नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि शॉर्ट लिव्ड होते हैं. बट दे ईच हैव कैपेसिटी टू लिव फॉर सम टाइम बाय प्रोड्यूसिंग वेरी शॉर्ट हाइफे. लेकिन कुछ टाइम तक इनकी कैपेसिटी होती है जिंदा रहने की बाय प्रोड्यूसिंग अ वेरी शॉर्ट हाइफा. ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट हाइफा ये प्रोड्यूस करती है जो कि डायरेक्टली डिवेलप हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी बेसिडियोस्पोर्स टू गेट अनदर चांस फॉर सक्सेसफुल डिसेमिनेशन. ठीक है, एंड डायरेक्टली ये क्या हो जाते हैं, बेसिडियोस्पोर्स के अंदर ही बदल जाते हैं
डिवेलप हो जाते हैं ताकि इनको एक और चांस मिल जाए कि इनको सेकेंडरी होस्ट मिल जाए एंड ये क्या कर सके अपनी लाइफ साइकिल को रिज्यूम कर सके। मॉर्फोलॉजी क्या होगी? बेसिडियोस्पोर्स की बोर्न ऑन स्टिग्मेटा प्रोड्यूस्ड ऑन फोर सेल्ड प्रोमाइसिलियम और जर्मिनेटिंग टेलिटोस्पोर्स के पर प्रोड्यूस होंगे, सिंगल सेल होंगे, यूनिन्यूक्लेटेड होंगे, हाईलाइन होंगे, हैप्लोइड होंगे, ओवल इन आउटलाइन होंगे, जर्म पोर इनके अंदर नहीं होती है, सॉइल के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं एंड ये पॉजिटिव और यानी प्लस और माइनस स्ट्रेन के ही हो सकते हैं। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, इन कैरेक्टर्स के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बेसिडियोस्पोर्स को। तो अब तक की स्टेजेस में हमने सबसे पहले देखा था कि यहाँ पे यूरिडियोस्पोर्स थे, यूरिडियोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होके ज्यादा से ज्यादा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके और ज्यादा यूरिडोस्पोर्स बनाएंगे, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी ये टेल्यूटोस्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, टेल्यूटोसोराई बन जाएगी, टेल्यूटोस्पोर्स से टेल्यूटोस्पोर्स की टिप के ऊपर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे बेसिजियोस्पोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वीट प्लांट के अंदर थी। अब इसके बाद ये जो है ये किसके अंदर हुई है, या तो यहाँ पे डेब्रिस था, वीट डेब्रिस था, या फिर ये सोयल के अंदर जर्मिनेट हुए हैं, या फिर सोयल के अंदर हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद इसको जरूरत है, इस स्टेज को जरूरत है कि इसको एक सेकेंडरी होस्ट मिले अपनी लाइफ साइकिल को रिज्यूम करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। या तो इसको अगर होस्ट नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सेकेंड अब यहाँ पे स्टेजेस होंगी बारबेरी प्लांट के ऊपर। ठीक है, सेकेंड स्टेजेस होंगी यहाँ पे बारबेरी प्लांट के ऊपर। बारबेरी प्लांट के ऊपर यहाँ पे स्टेजेस होंगी पाइसिनिडियल स्टेज, जिसको जिसके अंदर स्पर्मोगोनियल बनते हैं, एक होगी यहाँ पे एसिडियल, जिसके अंदर एसियल स्टेज जिसको बोला जाता है। तो ये स्टेजेस बारबेरी प्लांट के अंदर होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ये तीन स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिए, दो स्टेजेस बची हैं बारबेरी यानी सेकेंडरी होस्ट के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।